हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारकें। आई होप आपके लिए सबके लिए अच्छा हो। तो फाइनली मैं अपने भाई लोगों के पास आ गया हूँ। भाई लोग तैयार हो गए हैं। हैप्पी न्यू ईयर भाई लोग, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग देख रहे होंगे आज मेरे बाल ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, क्योंकि आज हम सुखजीत भाई से बनवाएंगे पग बांध के फिर जाएंगे गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए। ये भाई बांध रहा है, मैंने अभी अभी बांधनी है, फिर निकलेंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर ब्रो, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। थोड़ी देर में निकलेंगे, मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा। मैं नहाने नहुने में लेट हो गया था, क्योंकि मेरे को सुबह ही फ़ोन आया था दीप का कि जाना है। तो देख लो भाई, जो भी इसके साथ चचेगी वही बांधनी है। तो बांधते हैं पग, दिखाते हैं आपको बांध के। और हैप्पी न्यू ईयर अगेन, हैप्पी न्यू ईयर। पहले गाइज मैं तो हो गया ऑलरेडी, मैंने दस्तार सजा लिया है। अब आ रही है रॉबिन की, रॉबिन करवा रहा है दस्तार सजवा रहा भी। और हमारे क्रिएटिव आदमी हैं मिस्टर सुखजीत सिंह, लगे हुए हैं बाबा जी। थोड़ा जल्दी कर दो क्योंकि हम लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ऑफिस भी जाना है, उसके बाद इतनी दूर निकलना भी, इतनी दूर पहुँचना भी है। सुरंत साहब जा रहे हैं आज सारे, ऑफिस वालों ने बोला कि आज आप सब लोग जाके आओ, मत्था टेक के आओ। नया दिन है, नया साल है, नया महीना है, तो सबके लिए अच्छा हो। तो इसीलिए हम सब जा रहे हैं। हम सब कौन, हम चार पांच लोग जा रहे हैं, निकल जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तैयारी होगी हमारी फुल, तो मिलते हैं आगे, चलते हैं। फाइनली गाइस सारे रेडी हैं, बाबू भैया भी रेडी हैं। बाबू भैया बाहुबली भी आज पाक बांधी है पाक। तो अभी निकल रहे हैं सारे, लिफ्ट में आ जाओ, एयरबस में बैठ जाओ। एयरबस तो वैसे जहाज होता है ना, ये भी जहाज ही है ना, कि पता नहीं कदू छोड़ते। चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको। रास्ते में से एक बंदा और उठाना है, मजे आ रहे हैं आज तो बिना पग वाला। चलो उसको भी उठा लेते हैं, चलते हैं। तो फाइनली गाइस पांचवा बंदा भी आ गया है और ये सब आ गए हैं। अभी निकले हैं हम, थोड़ा एक अपना दोस्त आ गया था, उसके पास टाइम लग गया हमारा ज़्यादा। तो अभी निकले हैं, चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा भाई वहाँ पहुँचने में। घंटा छः घंटा लग जाएगा, आधा घंटा जाएगा। चलो देखते हैं, चल के पता चलेगा कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, है ना। 30 किलोमीटर है ना, थोड़ा वो है ना। चलो देखते हैं क्या बनता है आगे जाके। सारे पहुंच गए हैं फतेहगढ़ साहब, गड्डी पार्किंग दे विच लगाती है। सारे देखो फ्रेश पे ने, आ देखो एक बंदा रह गया दस्तार सजाने तो, बाकी सारे ने दस्तारा सजाइया हुई ने। ये भी बंदे अपने ग्रेट ने, ते गड्डी पार्क करती है। हम आप इतों चलेंगे पैदल अगे, पैदल का सफर करा, ठीक है सुखजीत जी? चलो फिर चलते हैं बाद। तो फाइनली गए, हम लोग आ तो गए हैं। बाबा जी ने यहाँ पर रश करवा दिया ज़्यादा, तो ये देखो कितनी भीड़ है, आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़।
ये आप देख रहे हैं पूरी लाइन लगी हुई है, तो अभी देखते हैं आगे क्या करना है। ये गुरुद्वारा है जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, बहुत रश है, बहुत रश है। गाइस मत्था टेकने के बाद हम लोग आ गए लंगर छकने के लिए। दीप भाई बाकी मैं बताऊंगा आज आपको मत्था हमने कैसे टेका भाई, बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। दर्शन कर लिए हैं, मत्था टेक लिया है भगवान जी के दर पे। वाहेगुरु सब दा भला करे, नवा साल सारे वास्ते शुरू मेरे तो करे। इन दोनों नु कनाडा भेज दे वाहेगुरु, है ना। इस साल इनू थोड़ी जी काली है, इनू पहला भेज दे, इनू पहला भेज दे, इनू बाद च भेज दे, नाल नाल ही कर चल। पहली फ्लाइट च इनू भेज दे, दूजी च इनू भेज दे, है ना। रश बहुत ज्यादा सीगा, चलो फिर भी संगत सी, बहुत ज्यादा संगत सी, निहाल हो गए जी आज संगत दे दर्शन करके, फिर आगे चलते हैं रास्ते में। जितने 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 भी लंगर होंगे सब छकेंगे, सब छकेंगे ना भाई। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। वापिस पहुंच गए हम अपने ऑफिस, ऑफिस की चाबी है हमारे पास, फोटो शूट चल रहे हैं। अरे वाह दिखाओ भाई की फोटो, ये चल रहा है फोटो शूट। फोटो शूट करने लगे आके, सब ने दस्तारे बांध रखे तो कह रहे एक एक फोटो खींच लेते हैं। मैंने भी खिंचवा ली दो तीन फोटो, आ गए हैं। और आज गाँव जाना है, निकलना है थोड़ी देर तक। आज ड्राइव ही ड्राइव, ड्राइव ही ड्राइव चल रहा है। वहाँ पर बहुत सारा रश था, बहुत ज़्यादा रश था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, वीडियो में आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे फ़ोटो शूट करके, फिर उसके बाद निकलेंगे थोड़ी देर में वापस। तो देखते हैं घर जाके आज क्या बनता है। यहाँ पे सबसे लंबे आदमी का, बिशप का जो सबसे लंबा आदमी है, उसकी बना रहे हैं फ़ोटो। फोटोग्राफर कैनेडा रिटर्न दीप सिंह। तो फाइनली गाइस हम लोग सब रेडी हो गए हैं। नानी, नानी जी जी पीछे बैठे हैं। हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए, अपने घर जा रहे हैं। लेट हो गए क्योंकि मैं ऑफिस से लेट आया था। तो चलेंगे आराम आराम से, पहुंच जाएंगे अपने घर। तो चलते हैं, पहुंच के बताते हैं आपको आगे का हाल। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए अपने घर, गांव अपने, जहां हमारा गांव है वहां पहुंच गए हैं। ठंड ज़्यादा है, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। हमारे भाई मिल गए हैं अनमोल और
शुभम आ गए थे घर पे, तो अभी खाना बन रहा है, खाना तैयार हो रहा है, खाना खाएंगे, आराम से एडिट करेंगे बाद में ब्लॉग को, फिर ब्लॉग को अपलोड कर देंगे सुबह। तो अभी थक गए हैं बहुत, क्योंकि आज आपको पता है वहाँ पे सरन साहब भी गए थे, सरन साहब क्यों बोलते हैं, फतेहगढ़ साहब गए थे, फिर सरन गए थे, फिर वापस आए तो ऑफिस के काम किए, ऑफिस के काम करने के बाद घर गया अपने फ्लैट पे, फ्लैट पे पहुंचा तो सबको लेके साथ में, फिर अभी गांव में पहुंच गया हूं अपने। कल है प्रोग्राम, कितने बजे भाई? 5 बजे शुरू है सुबह। सुबह 5 बजे वर्कर चले जाएंगे, सुबह कौन उठेगा भाई 5 बजे? तो ये वो लोग बोल रहे हैं कि 5 बजे काम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब काम खाना खुना जो भी है वो रेडी हो जाएगा, मतलब स्टार्ट कर देंगे 5 बजे सुबह। चलो देखेंगे, हम भी ट्राई करेंगे जल्दी जाने का वहाँ पे। तो अभी ब्लॉग का करते हैं यहीं पे अंत, और सबको हैप्पी न्यू ईयर अगेन, आप लोगों को भी सेम टू यू, सेम टू यू। तो ब्लॉग का करते हैं यहीं पे अंत, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे, जो लाइक नहीं कर रहे हैं वो लाइक कर देंगे, कमेंट ज़रूर कर देंगे, और आज मैंने दस्तार सजा रखी थी कैसे लग रही थी उसके बारे में भी कमेंट कर देंगे, अच्छी लग रही थी कि नहीं अच्छी लग रही थी। तो ब्लॉग का करते हैं यहीं पे अंत, अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, गुड नाइट, बाय।